हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेनबो पार्ट टू का जो थर्ड चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, उसका लास्ट जो वीडियो है उसको अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आगे के ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बना करके दिया जाता रहे। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 28 और स्टेंजा नंबर 75 से। वी हैड बेरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग मैनेजर से बात करने में उलझे हुए थे। व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप, तभी धोबी दुकान पे आया। होल्डिंग नानू का काज ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रैडिसिंग द चेक विथ द अदर, एक हाथ में नानू काका के पुराने वाले कोट को पहने हुए था और दूसरे हाथ में चेक को झुलाते हुए हिलाते हुए दिखाने की कोशिश करते हुए आ रहा था। ओ देयर यू आर, अरे तुम वहाँ हो, ही पैंटेड, उसने कहा। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ रखा है। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, नानू काका एक हाथ की दूरी से ही चेक को झपट लिए और अपने जीभ को बार बार बजा रहे थे अफसोस में इस टाइप में। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हो गया हूँ, ही सेड, उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह का काम करना तो मेरी फितरत आदत बन चुकी है। बीरड चेक टू, भजाने वाला चेक भी था। एनी वन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसको कैश करा सकता है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, चेक दो तरह के होते हैं, एक अकाउंट चेक होता है, एक बियरर चेक होता है। तो अकाउंट चेक जो होता है उसमें अकाउंट नंबर डाल दिया जाता है, उसी अकाउंट में वो पैसा जाएगा, और बियरर चेक होता है वो कोई भी व्यक्ति उसको कैश करा सकता है। हियर माई गुड मैन, अरे यहाँ पे तुम अच्छे आदमी हो, ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा। हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए एक पुरस्कार है मेरे तरफ से। देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, इस दुनिया में ईमानदारी की जैसी कोई चीज़ नहीं है। एंड ही गिव हिम ए 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक, और उन्होंने उसको मतलब धनुकाकर ने धोबी को 2 रुपये का नोट और पीठ थपथपा दिया, नोट दे करके उसका पीठ थपथपा दिया और बोला कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, इस धन के दिखावा के बाद अब कार लेने में बिल्कुल आसानी हो गई। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावा, संकेत। आई ड्रोव वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, मैं अपना उजले रंग का जोधपुरी कोट पहन करके और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एंड द ऑरेंज टर्बन, और ऑरेंज कलर का पगड़ी पहन करके। एंड ननू काका सेट री गैली एट द बैक, और ननू काका जो थे पीछे जा कर के बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, हर इंच देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राजकुमारों के राज के कुल पुरोहित हों। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री जी के घर गाड़ी चला करके गए। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज अराउंड नानू काका, और नौकरी और जो सचिव थे चारों तरफ से नानू काका को घेर लिए। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, जिन्होंने अपने व्यवसाय को मानने से इनकार कर दिया। बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, लेकिन उन्होंने विजिटर्स बुक की मांग किया। विजिटर्स बुक का मतलब आगंतुक पंजी, जिसमें अगर कोई जाता है कहीं पे ऑफिस वगैरह में जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, हाई रिस्क जगह पे हो। आजकल तो स्कूल्स वगैरह में भी होता है, गेट पे गेट कीपर एक रजिस्टर के साथ रहता है और वो क्या करता है, आने जाने वाले का नाम और टाइम लिख करके फिर एंट्री देता है, जाते के टाइम वहाँ साइन करवाता है, उसको विजिटर्स बुक बोलते हैं। आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा कि मैं एक औपचारिक कॉल पर यहाँ आया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मंत्री को डिस्टर्ब करने की कोई इच्छा नहीं है। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, यह केवल एक औपचारिकता है। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, जो पुराने राजकुमारों के राज्य में हम लोग निभा रहे हैं। हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कॉर्डसेज, उनकी ऊंची ऊंची जो बातें थी ना बिल्कुल पूर्णवादी थी एक तरह की कॉर्डसी के लिए, विनम्रता के लिए।
दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने आगंतुक पंजी को लाया। एंड आई वॉच्ड इट, और मैंने गौर से देखा। नानू काका इन एडमायरेशन, नानू काका को प्रशंसा पूर्वक। आई सी रोट हिज नेम विथ फ्लोरिस्ट एंड एडेड, जैसा कि उन्होंने नाम अपना बिल्कुल अलंकृत शब्दों में लिखा और उसमें जोड़ा। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉगर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के महाराजा के कुल पुरोहित। एट द एंड, अंत में ही गिव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने जो मेरा दिल्ली वाला पता है उस पता को उस एड्रेस में मेंशन कर दिया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना ये दूसरे शब्द के। एज एंड एज दाउ ही वर इन टीयरिंग हरी, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी जल्दीबाजी में हो। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, वे कार में सवार हो गए और जोर से बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकट्टा पैलेस, मुझे महाराजा सुतकट्टा के राजमहल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल द हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, उन मतलब महाराजा सुतकट्टा ने जितनी सारी जन्म कुंडली मुझे सौंपी है उन सारी जन्म कुंडली को मुझे उनको वापस करना है। हॉरोस्कोप्स मतलब जन्म कुंडली। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार गेट से मुड़ी। आई ग्लांस्ड बैकवर्ड एंड सॉ, और मैंने पीछे देखा और क्या देखा, ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर, एक विशाल काय काला खादी का कपड़ा पहना हुआ काला कलूटा व्यक्ति, पीरिंग एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो, हम लोगों को ऊपरी मंजिल की खिड़की से झांक करके देख रहा था। स्टोरी का स्पेलिंग यहाँ पे STORY भी सही है और STORY होता है जिसका मतलब होता है मंजिल। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोगों ने अभी अभी चाय ख़त्म किया था। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, और हम लोग जो बिल्लियों ने घर में बिल्कुल गड्ढा गड्ढा कर दिया था उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे थे। व्हेन द कार विथ ए वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तभी उजली त्रिकोणीय बत्ती वाली कार घर के सामने आकर के रुकी। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, और नानू काका जो है इस तरह से हाथ फोल्ड करके ऐसे और कल्याण मंत्री को रिसीव करने के लिए आगे गए। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका अभियान पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज दैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे आज तक कभी पता नहीं चल पाया या आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि वह मंत्री से मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर, यह भी मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट, उस समय क्या होगा जब मंत्री लोगों को इस बात का पता चलेगा कि माई अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर, कि मेरे मामा जी का निन्नौर नाम के जगह से सैकड़ों मील दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऑल दो यद्यपि आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट, फिर भी मुझे इस बात को लेकर के राहत है कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, नानू काका किसी भी परिस्थिति से जरूर निपट लेंगे। डील विद मतलब निपटना होता है, फ्रेजल वर्ब है। अलाउंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, मतलब उनके अंगोछा पे के एक तह कप पर भी सिकन नहीं आएगी, वो इस तरह से मामला को हैंडल कर लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपेंस, जब जब ऐसा होता है, मतलब क्या होता है, जब जब उनके पता पर उनके मामा जी को खोजने के लिए कोई उनके एड्रेस पे आता है। आई वॉन्ट टू बी सम फार फेयर, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मेरा जी करता है इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस तरह से हम लोग आज ये थर्ड लेसन का जो चैप्टर का हिंदी था, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हम लोग कंप्लीट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को अपलोड किया जाएगा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की आपको जो दिक्कत हो रही है उसको शेयर करें। आई होप आपको सेटिस्फाइड आंसर जरूर मिलेगा। और ग्रामर में कौन से पार्ट्स को आपको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उस पार्ट को बोलेंगे तो उस पार्ट पर भी हम वीडियो जरूर बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।